हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कंफर्म करेंगे वो आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, प्लीज़ कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। यस, कर दीजिए कन्फर्म क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर यूर कन्फर्मेशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पीपीबी की इस क्लास में हमारा ये बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को भी करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे, सो दैट पेपर में किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा ये डिस्कशन प्रीवियस सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन एफडीआर। एफडीआर में हम इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं, अब उसका कैलकुलेशन हमने किस बेसिस के ऊपर करना है। फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैज प्रेस्क्राइब दैट ऑन डिपॉजिट्स रीपेबल इन लेस देन 3 मंथ्स, वो डिपॉजिट्स जिनको रिपे हो जाना है इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। सो हमारा मिनिमम जो पीरियड होता है एफडी के केस में इट इज 7 डेज। तो दिस मीन 90 डेज से अर्ली अगर किसी भी डिपॉजिट को रिपे होना है, और वेयर टर्मिनल क्वार्टर इज इनकम्प्लीट। सो जो हमारे कैलेंडर क्वार्टर्स होते हैं, अगर टर्मिनल क्वार्टर अगर इनकम्प्लीट है तो इंटरेस्ट शुड बी पेड प्रपोर्शनेटली फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग द ईयर एट 365 डेज। और अगर वो लीप का ईयर है तो उसमें 366 डेज। तो जैसा हम जानते हैं लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर इट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल 2016 इट इज़ लीप ईयर, 2020, 2024, 2028 ये सारे लीप के ईयर हैं। तो इनमें फरवरी के नंबर ऑफ डेज को एडजस्ट करना होता है, तो इनको हम कहते हैं लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स में इंस्टेड ऑफ टेकिंग 365 डेज, 366 डेज आर टू बी टेकन। बैंक शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू देयर डिपॉजिटर्स अबाउट मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रोप्रिएटली वाइल एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड डिस्प्ले द सेम एट देयर ब्रांचेस। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, तो ओरिजिनली अगर वो पर्टिकुलर टर्म डिपॉजिट बना है लेस देन 3 मंथ्स से, या उसको मैच्योर हो जाना है उस डेट के ऊपर जब वो पूरा क्वार्टर नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल एक डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है लेट अस से ऑन 15th of September, तो सितंबर खत्म होना है 30th September को। तो इन केसेस के अंदर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के लिए पे करेंगे, और इस पर्पस के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ डेज हम बेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 365 डेज इन ए ईयर। तो मींस हम उस प्रकार से वो कन्वर्जन कर लेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन नॉन बिजनेस वर्किंग डे। सो कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे हैं जो मैच्योर हो सकते हैं ऐसे बिजनेस वर्किंग डे के ऊपर जो बिजनेस वर्किंग डे नहीं है बैंक का। सो बैंक के लिए वो नॉन बिजनेस वर्किंग डे है, यानी बैंक स्टाफ ने तो काम करना है, बैंक ब्रांच ओपन होंगे, लेकिन कस्टमर सर्विस एट दैट टाइम विल नॉट बी मेड अवेलेबल। ऑन ए टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग ए नॉन बिजनेस वर्किंग डे इंटरेस्ट एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट शैल बी पेड। सो जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट था, सो कॉन्ट्रैक्टेड रेट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वॉज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द डेट वेन डिपॉजिट वॉज
एक्सेप्टेड बाय बैंक, सो उसको ऊपर पे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर नॉन बिजनेस वर्किंग डेज इंटरवीनिंग टिल सक्सीडिंग वर्किंग डे। तो दिस मीन के अगर ये मैच्योर होता है लेट अस से 1 अप्रैल को, एंड लेट अस से क्लोजिंग की वजह से 1 अप्रैल नॉन बिजनेस वर्किंग डे है, तो इसका नेक्स्ट सक्सीडिंग डे हम ले लेते हैं 2 अप्रैल। तो इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर 1 अप्रैल ऑल्सो, सो नॉन बिजनेस वर्किंग डे के लिए इंटरेस्ट पे किया जाएगा टिल नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे। इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन मेच्योरिटी वैल्यू फॉर इंटरवीनिंग नॉन बिजनेस वर्किंग डे। अगर हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं उस डिपॉजिट का, सो डिपॉजिट मेच्योर हो जाता है से ऑन 1 अप्रैल, सो सब्सिक्वेंटली जब हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे यानी उसको रिन्यू करेंगे तो इस डेट का इंटरेस्ट पे करना, सो जो नॉन बिजनेस वर्किंग डे है उसके लिए इंटरेस्ट पे करना है। तो इसी प्रकार से हम इंटरेस्ट पे करते हैं हॉलीडेज के लिए भी। इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, तो यहां तक हम बात कर रहे थे FD के ऊपर इंटरेस्ट की बात, एंड नाउ वी शैल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक टर्म डोमेस्टिक करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सो वट इज अ नॉर्मल रूल? नॉर्मल रूल इज नो इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन डिपॉजिट्स इन द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, सो दिस इज द डायरेक्शन। ऑन बैलेंसेज इन करंट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोप्राइटरशिप्स इंटरेस्ट शुड बी पेड फ्रॉम डेट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर। तो ये आगे सिचुएशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कस्टमर, देर आर टू सिचुएशंस। वन, अगर वो इंडिविजुअल है, ए का अकाउंट है और ए का करंट अकाउंट है और उसकी डेथ हो गई। दूसरा, बी की प्रोप्राइटरी फर्म है, सो बी प्रोप्राइटर है किसी फर्म में, उसका करंट अकाउंट है, तो इन केसेस में इंटरेस्ट कैन बी पेड। सो इंटरेस्ट विल बी पेड फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट से कब तक? टिल डेट ऑफ रीपेमेंट टू द क्लेमेंट। सो उसका बैलेंस हम जिसको पे करेंगे क्लेमेंट्स को, तो उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्रिवेलिंग सेविंग बैंक रेट ऑन डेट ऑफ पेमेंट। सो डेट ऑफ पेमेंट को जो सेविंग रेट होगा वो रेट पे करेंगे, नॉट ऑन डेट ऑफ डेथ। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा। लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक के ऊपर 3% है ऑन डेट ऑफ डेथ, और डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट अस से है 3.15%। तो दिस रेट विल बी पेड। अब जो कुछ भी हमने इस सेशन में लर्न किया या इससे पहले सेशन का कुछ पार्ट था उसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे पहला सेशन आपने वॉच नहीं किया जिसमें टर्म डिपॉजिट के इंपॉर्टेंट फीचर्स गिवन है, तो पहले उनको वॉच कर लेना और उसके बाद फिर इस टेस्ट को करना। सो टर्म डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड इन नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स, क्वार्टर्स, डिकेड्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। तो जो हम एक्सेप्ट करेंगे टर्म डिपॉजिट को, इनमें से किस टाइम यूनिट के लिए कर सकते हैं? यस, आपने अगर पहले सेशन के पूरे नोट्स बना रखे हैं और उनको आपने ठीक से अंडरस्टैंड किया है, रीड किया है,
then it should not be difficult to answer this question. Otherwise, you may find it difficult. So, what is the answer for question number 1? Ek number question ka answer kya banta hai? So, what is the answer to question number 1? So, it is days, months and years. Days mein bhi ho sakta hai, months mein bhi ho sakta hai, years mein bhi ho sakta hai. Minimum period of term deposit according to RBI directions can be. RBI direction ke mutabik minimum period term deposit ka kitna hai? 5 days hai, 7 days hai, 10 days hai ya 15 days hai? Minimum period, not maximum. So what shall be the answer? Bahut asaan sa question hai, I am sure aap mein se har koi इसको आंसर कर सकता है. यस वेरी करेक्ट. तो इट इज 7 डेज. तो 7 डेज इज आवर आंसर. मैक्सिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू आरबीआई कैन बी. आरबीआई के मुताबिक मैक्सिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट 5 इयर्स, 7 इयर्स नॉट स्पेसिफाइड या 10 इयर्स. सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट according to Reserve Bank of India, it can be. So what is the answer? So 5 years is not the answer, 10 years is not the answer, 7 years is not the answer. Answer is not specified. RBI ne maximum period specify nahi kiya hai. 10 years jo hai wo IBA ka advice hai bankon ko. Isliye option answer mara banega C. For commercial banks, bulk term deposit means a single term deposit of. So there is a term called bulk term deposit, jiske upar differential interest bhi pay kiya ja sakta hai. To ye ek single term deposit ki form hai, jiska amount kitna hona chahiye. So that is what we have to tell. Rupees 1 crore, rupees 2 crore, rupees 5 crore, ya rupees 10 crore. So bulk term deposit means a single term deposit value kitna hoga commercial banks ke liye. So it is rupees 2 crore, 2 crore ka ye amount hai. For RRB's term deposit, bulk means a single term deposit of. RRB ke jo term deposit hai unme bulk term deposit hum किन सिंगल टर्म डिपॉजिट को कहेंगे जिनका वैल्यू 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ है. फॉर आरआरबीस व्हाट इज द बल्क टर्म डिपॉजिट. आरआरबी के लिए बल्क टर्म डिपॉजिट रुपीज 1 करोड़. प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी 15 लाख, लेकिन इसको अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने रिवाइज कर दिया था. टर्म डिपॉजिट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ. टर्म डिपॉजिट को हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट में, वन बैंक टू अनदर बैंक में, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. टर्म डिपॉजिट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. In which circumstances, in which cases? So these can be freely transferred from one branch to another branch of a bank. Option C is our answer. Banks are generally required to intimate maturity date of term deposit how many days in advance before maturity. आमतौर के ऊपर बैंकों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंटीमेट करेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट्स टू द कस्टमर. क्वेश्चन है कितने दिन पहले दिस प्रोसेस विल बी डन. 15 डेज बिफोर, 30 डेज बिफोर, 45 डेज बिफोर और 60 डेज बिफोर. तो व्हाट इज द रूल रिलेटिंग टू दिस. It is 30 days before.
सो बिफोर मैच्योरिटी डेट। ऑन प्री मैच्योर कैंसिलेशन ऑफ अ टर्म डिपॉजिट एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अगर प्री मैच्योर कैंसिलेशन होता है टर्म डिपॉजिट का, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे दैट एप्लीकेबल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर, पीरियड फॉर विच डिपॉजिट एक्चुअली रिमेंड विद द बैंक, हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या डबल द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमको बताना है। ऑन प्री मैच्योर कैंसिलेशन एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बनेगा? एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो रेट फॉर विच द डिपॉजिट एक्चुअली रिमेंड विद द अस। सो जिस पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्चुअली हमारे साथ रहा तो वो इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, उस पीरियड का जो एप्लीकेबल रेट है। बैंक्स मस्ट ऑफर टर्म डिपॉजिट विद प्री मैच्योर कैंसिलेशन फैसिलिटी वेयर अमाउंट इज अप टू रुपीज। तो बैंकों को ये डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि अगर उन्होंने डिपॉजिट विद प्री मैच्योर कैंसिलेशन फैसिलिटी बनाने हैं तो वहाँ अमाउंट कितना हो विद प्री मैच्योर कैंसिलेशन फैसिलिटी। सो दो तरह के डिपॉजिट हो सकते हैं, एक विदाउट और एक विद। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन विद से रिलेटेड है। सो 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है या 2.5 करोड़ है। सो कितने अमाउंट के ऊपर हम विद प्री मैच्योर कैंसिलेशन फैसिलिटी डिपॉजिट को प्रिपेयर करेंगे? सो इट इज रुपीज 1 करोड़। प्रीवियसली दिस अमाउंट यूज टू बी रुपीज 15 लाख, बट इन अक्टूबर 23 दिस वॉज रेज्ड टू 15 लाख। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू फॉर यू, इसको इग्नोर मत करें। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBF बुक्स? क्या आप अपनी प्रेपरेशन के लिए इन बुक्स को यूज करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इशू तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है और अंडरस्टैंड करने के बाद भूल जाते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट लगा आपको, इसलिए उसे बार बार करना पड़ता है, जिसके कारण यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम आपके पास ऑलरेडी कमी होती है बिकॉज होल डे यू आर वर्किंग इन द बैंक। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन वो बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है कि इस टाइप के इश्यूज आप फेस कर रहे हैं व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ दीज बुक्स? तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत आसान करके अंडरस्टैंड करवाते हैं, जिसे आप बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हो। एक तो अंडरस्टैंड कर लेते हो, एक क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हो, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और फिर आप पूरे सिलेबस को कर पाने की पॉसिबिलिटी बना लेते हो। अदरवाइज पूरे सिलेबस को कवर करना, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमारा क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करता है मल्टी च्वाइस क्वेश्चंस बहुत सारे, तो उससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जाम के जस्ट पास जा करके मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस, वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। तो जब सब कुछ अवेलेबल है तो फिर इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो आप इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, इनके रिलेटेड रूल्स क्या हैं।
बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर सेविंग बैंक डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है तो बैंक इसके लिए फ्री है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट ऑफ एंड ऑफ द डे बैलेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो डेली प्रोडक्ट होगा और उसमें हम एंड ऑफ द डे बैलेंस को लेंगे। सो दिस मीन अगर ये है फॉर एग्जांपल सितंबर 12, देन सितंबर 13, सितंबर 14, सितंबर 15, इस डेट को बैलेंस था लेट अस से 1 लाख। इस डेट को बैलेंस 1 लाख ही रहा, इस डेट को बैलेंस हो गया 1,15,000, इस डेट को बैलेंस हो गया 1,10,000। तो एक तो हमने डेली प्रोडक्ट लेना है, यानी हर डे को अलग से हमने एज ए प्रोडक्ट लेना है, और फिर हमने एंड ऑफ द डे बैलेंस को लेना है। अगर ड्यूरिंग डे टाइम बैलेंस वाज समथिंग एल्स, हमने उसको नहीं लेना, हमने बैलेंस लेना है जो एंड ऑफ द डे बैलेंस है। बैंक्स कैन पे इंटरेस्ट एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बैलेंसेस ऑफ अबव ₹1 लाख डिपेंडिंग अपॉन क्वांटम ऑफ बैलेंस। सो 1 लाख से ऊपर अगर बैलेंस है अकाउंट के अंदर तो बैंक डिफरेंशियल इंटरेस्ट उसके ऊपर पे कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा क्वांटम ऑफ बैलेंस के ऊपर। जिन अकाउंट्स में बैलेंसेस 1 लाख रुपीस तक हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट यूनिफॉर्म होंगे। तो अगर हमने डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट पे करने हैं तो कट ऑफ अमाउंट है अबव ₹1 लाख। इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिट एट क्वार्टरली और शॉर्टर इंटरवल्स। सो इंटरेस्ट को जब हम क्रेडिट करेंगे अकाउंट के अंदर, सो इसमें ईयरली क्रेडिट करने का, हाफ ईयरली क्रेडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो इट कैन बी से ऑन ए क्वार्टरली बेसिस और इवन ऑन ए मंथली बेसिस और इवन इट कैन बी शॉर्टर देन दैट। तो एट क्वार्टरली और शॉर्टर इंटरवल्स। तो ये थे रूल्स सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को लेकर के। अब टर्म डिपॉजिट के इंटरेस्ट को लेकर के कुछ रूल्स हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट कैन बी वेरिड फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सो टर्म डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हम वेरी कर सकते हैं, और उसके कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन टेनर ऑफ द डिपॉजिट, बैंक्स कैन फ्रीली डिटर्मिन टेनर ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। मिनिमम 7 डेज का होगा एंड ऑफर डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पीरियड। सो अगर हमारे पास 7 डेज का डिपॉजिट है तो हो सकता है उसके ऊपर हम 3.15% इंटरेस्ट पे कर रहे हों, और अगर ये डिपॉजिट 28 डेज का है फॉर एग्जाम्पल तो हो सकता है हम 3.25 पे कर रहे हों। अगर ये डिपॉजिट हमारे पास लेट अस से 91 डेज का है या 90 डेज का है तो हो सकता है हम 3.50 पे कर रहे हों। तो इस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन पीरियड जिसके लिए हम उन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स कैन बी डिफरेंट। देन साइज ऑफ डिपॉजिट के बेसिस के ऊपर भी हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे कर सकते हैं। सो डिफरेंशियल रेट कैन बी ऑफर्ड ओनली ऑन बल्क डिपॉजिट। सो जो बल्क डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर हम डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं। सो बल्क डिपॉजिट हम किन डिपॉजिट्स को कहेंगे इसी लेसन के अंदर हमने नोट किया था। तो कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क डिपॉजिट। तो ऐसे टर्म डिपॉजिट जो सिंगल टर्म डिपॉजिट है, ये भी ध्यान रखना है, मल्टीपल डिपॉजिट का अमाउंट नहीं, सिंगल टर्म डिपॉजिट का अमाउंट जहां पर अबव ₹2 करोड़ है, तो उनको हम कंसिडर करते हैं बल्क टर्म डिपॉजिट्स। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑप्शन,
तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बैंक्स कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट विदाउट प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शन फॉर विच डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कैन बी पेड। तो ये हमारे सामने तीसरी सिचुएशन आ गई है। पहली सिचुएशन, पीरियड वाइज इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट। सेकंड, अमाउंट वाइज दीज आर डिफरेंट। थर्ड, प्री मेच्योर फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, बेस्ड ऑन दैट इंटरेस्ट रेट्स कैन बी डिफरेंट। अगर वैल्यू टर्म डिपॉजिट का 100 लाख या उससे नीचे है तो उन केसेस में हमें प्री मेच्योर फैसिलिटी पे करनी होगी। जहां वैल्यू अबव रुपीस 1 लाख है, 100 लाख है, तो वहां पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट कैन बी पेड। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन टर्म डिपॉजिट विड्रॉन बिफोर मेच्योरिटी डेट। अगर बिफोर मेच्योरिटी डेट टर्म डिपॉजिट को विड्रॉ किया जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द रेट एप्लीकेबल टू द अमाउंट एंड पीरियड विच डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक एंड नॉट एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, तो जिसके लिए एग्रीमेंट था व्हेन डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड, वो रेट पे नहीं किया जाएगा। इंस्टेड कौन सा रेट पे किया जाएगा? रेट पे किया जाएगा एप्लीकेबल टू दैट डिपॉजिट विच रिमेंड विद द बैंक फॉर विच पीरियड। तो अगर वो 91 डेज के लिए बैंक के साथ रहा तो हम जो 91 डेज का एप्लीकेबल रेट है वो पे करेंगे। अगर वो 30 डेज के लिए रहा तो 30 डेज का जो एप्लीकेबल रेट है वो रेट पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर रेट पे नहीं करेंगे। अगर एफडी हमने प्रिपेयर किया एट से 5% इंटरेस्ट रेट और उसका कैंसिलेशन कस्टमर करवा देता है 91st डे को, तो उस केस में 91 डेज का जो एप्लीकेबल रेट है, लेट अस से 91 डेज का एप्लीकेबल रेट है 3.60%, तो दिस इंटरेस्ट रेट शैल बी पेड। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड वेयर प्री मेच्योर विड्रॉल टेक्स प्लेस बिफोर 7 डेज। प्री मेच्योर विड्रॉल अगर 7 दिन से कम पीरियड में हो जाता है तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। बैंकों के पास बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए प्री मेच्योर विड्रॉल्स के लिए, या कमिटी ऑफ द बोर्ड या बोर्ड के द्वारा। हम पेनल्टी कितनी रिकवर करेंगे प्री मेच्योर विड्रॉल के ऊपर, ये पॉलिसी बोर्ड का अप्रूव होना चाहिए या बोर्ड का अपॉइंटेड कमेटी, उसके द्वारा ये पॉलिसी इन प्लेस होनी चाहिए। पेनल्टी फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल कैन बी लेविड ओनली इफ इट वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिपॉजिटर अप फ्रंट। सो प्री मेच्योर विड्रॉल के केस में हम पेनल्टी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? तो दिस वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कस्टमर बिफोर द डिपॉजिट वॉज एक्सेप्टेड, नॉट लेटर ऑन। यानी देर शुड बी पॉलिसी फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी एंड दैट पॉलिसी मस्ट बी इन द नोटिस ऑफ द डिपॉजिटर। बैंक उसके नोटिस में ये पॉलिसी लेकर के आया था। नो पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल शैल बी लेविड वेयर डिपॉजिटर डिजायर्स प्रीमेच्योर विड्रॉल कंसीक्वेंट टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू अनदर बैंक। तो अगर बैंक अपने बिजनेस को किसी और बैंक को ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में भी विड्रॉल अगर कस्टमर करते हैं तो प्रीमेच्योर पेनल्टी उनके ऊपर नहीं ली जाएगी। If at the request of a joint depositor or legal claimant of a deceased constituent, deposit amount is split into two or more portions, no premature penalty will be charged provided period and aggregate amount of deposit do not undergo any change. अगर एक joint account है तो rule क्या कहता है? Let us say there is a joint account of A and B. तो वैल्यू ऑफ दैट डिपॉजिट इज रुपीज 2 लाख। नाउ दे से कि इस 2 लाख को आप स्प्लिट कर दीजिए, 1 लाख इन द नेम ऑफ ए एंड 1 लाख इन द नेम ऑफ बी। तो ये दो अलग अलग अकाउंट बना दीजिए, उनमें ये पैसा स्प्लिट करके डाल दीजिए। तो इस केस में भी
इसको प्रीमच्योर पेनल्टी रिकवर नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो पीरियड ऑफ डिपॉजिट है ओरिजिनली एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है जो ओरिजिनली, सो दैट विल नॉट बी चेंजिंग। तो इसमें जो एग्रीगेट अमाउंट है वही रहना चाहिए और जो पीरियड है मैच्योरिटी का वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन दोज केसेस दैट इज परमिटेड। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, वहां से हम सूटेबली इसको आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल करेंगे, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का ये सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा है तो डिसलाइक के बटन को ज़रूर पुश करना, लेकिन अगर आपको वो यूज़फुल लगा है, उसमें बहुत सारा बेस आपका स्ट्रांग आपको लगता है हो रहा है, तो फिर उसको लाइक करने में संकोच ना करें। आपके लाइक करने का मीनिंग है कि YouTube इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की अपने लेवल के ऊपर एफर्ट करता है। तो जब आप लाइक करते हैं, ये केवल लाइक करना नहीं है, तो इट इज़ हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स, तो जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आपकी हेल्प हो रही है इस सेशन को वॉच करके, तो हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। इसको आप लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स कुलीग के साथ थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू योर फेसबुक पेज और एनी अदर पेज। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलें तो ये सब्सक्रिप्शन आप बेल आइकन के साथ ज़रूर कर दें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।